सो हेलो दोस्तों, मेरे भाई ने ये गाड़ी ली थी, ये जुपिटर एक्सेस 125। तो इसको भेजनी थी मेरे को मुंबई। क्या कि उसने अपने लिए ख़रीदी थी, तो इसको भेजनी थी गाड़ी, तो वही बिल्टी करवाने आया था। यहाँ मेरे को एक घंटा हो चुका, लेकिन गाड़ी जो है, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा। लास्ट पेट्रोल बचा था बस ज़्यादा सा, फिर भी गाड़ी का पेट्रोल ही नहीं ख़त्म हो रहा। मैं मतलब कितने राइड लगा के आ गया, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी देखिए दिखा, ये देखिए अभी गाड़ी पैक हो चुकी है, चालू। कैसा गाड़ी जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, चालू है जब से पेट्रोल भी फ्यूल खोल के रख दिया हूँ। कैसे भी करके खाली हो जाए, बट गाड़ी है कि खाली होने का नाम ही नहीं ले रही। एक घंटे 35 मिनट हो गए, बट तेल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बच चुके हैं 5, लेकिन गाड़ी का है जो कि पेट्रोल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये देख रहे होंगे चालू है, खड़ी है, और 5 बज चुके हैं। 8 बजे मेरी बस भी है इंदौर जाने के लिए। तो गाड़ी है कि पेट्रोल का ख़त्म ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों, मैंने 150 रुपये का कल लगवाया था, 80 किलोमीटर गया था, ट्रैवल किया था। और 20 किलोमीटर मान लीजिए अपने सपना में ट्रैवल हो गया, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मैंने 150 रुपये के पेट्रोल में चला लिया, फिर भी 3 घंटे से ज़्यादा हो गए। मान लीजिए मैं 1:45 पे आ गया था यहाँ पे, 1:45 में मतलब चालू कर दिया था गाड़ी की ख़त्म होने के लिए। 1:45 से अभी टाइम हो गया है कितना, 5:14, मतलब समझ लीजिए लगभग 3 घंटे से ज़्यादा ही हो गया, 3 घंटे से ज़्यादा, फिर भी पेट्रोल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं इसके चक्कर में मेरी बस ना छूट जाए, मेरे को ये लग रहा है। वो बस की टिकट का रिफंड भी नहीं है। अब देखते हैं कितना टाइम और लेता। अभी तो फिलहाल इसको इतना चलाया, कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो मैंने यहीं चला लिया, फिर भी नहीं ख़त्म हुआ। और पैक है गाड़ी, पैक की गाड़ी में चलाने में थोड़ा भी अजीब लग रहा है, बट चला भी रहा हूँ। फिर भी देखते हैं हम कितनी देर में ख़त्म होता है।